ये देखिए दोस्तों, जो हमारी 11 तारीख को जो फीमेल गप्पी ने बच्चे दिए थे, वह बच्चे सारे के सारे आज इसमें हमने निकाले हैं। यह प्लास्टिक का वह एक्वेरियम है हमारा, जिसमें इसने बच्चे दिए थे। तो उसके अंदर उसकी उसकी कवर ही ऐसा है कि उसके अंदर सफाई से अच्छे से वीडियो नहीं बनती। इसके अंदर देखिए एक भी मोटिलिटी नहीं है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। और इसके अंदर जो हमने फीडिंग करते हैं, जो हमने सेपरेट की हुई टोकरी जो इसमें डाली थी, तो उस टोकरी के अंदर हम डालते थे, तो नीचे से निकल निकल के ये देखिए कचरा आप देख पा रहे ही होंगे, कितनी गंदगी हो गई है। तो देखिए दोस्तों, और यह देखिए, ये टॉर्च के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं अच्छे से। अच्छे से ऐसे नहीं दिख रहा, ऐसे ही ठीक है। देखिए ऐसे ही रोशनी में, बल्ब की रोशनी में ऐसे ही ठीक दिख रहे हैं। हमने दोस्तों इनकी संख्या काउंट की है, यह पूरे पूरे 25 है, 25 है। तो ये बेबी गप्पीज देखिए, और हम सफाई कर रहे हैं इसी प्लास्टिक एक्वेरियम की, और फिर इसमें हम छोड़ेंगे। और हमने जो मौली गप्पी की मौली मौली फिश की जो हमने आपको वीडियो दिखाई थी, उसमें भी हम देखते हैं कि क्या प्रोसेस है। उसने रात में 2 बच्चे दिए थे, उसके बाद में हमें उसमें 3 ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं उसने और बच्चे दिए या नहीं दिए। उसने वह हमारे पास चौथी बार ब्रीडिंग कर रही है। पिछले साल उसने गर्मियों के दिनों में, जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में, कि ब्रीडिंग करती है मोली एंड गप्पी, तो इसने अभी ये गर्मी स्टार्ट हो गई अप्रैल माह के अंदर, इसने फिर से ब्रीड किया है। तो हमने बड़े वाले एक्वेरियम में छोड़ रखा था, हमको लग तो रहा था ये ब्रीडिंग करने वाली है, पर फर्स्ट टाइम, ये कितने महीनों के बाद है फर्स्ट टाइम ब्रीड किया, तो हमारे पास और कम जगह होने के कारण हम उसे पहले सेपरेट अलग नहीं कर पाए थे। और उसने हो सकता है 20 से 25 30 बच्चे दिए हों, जैसे कि इस गप्पी ने दिए हैं, पूरे 25 बच्चे दिए हैं, और एक भी मोर्टेलिटी नहीं है। ये देखिए दोस्तों, इसमें एक भी मोर्टेलिटी नहीं है, कचरा ही है ओनली। हमने अच्छे से चेक किया ना, तो इसमें कोई जिंदा बेबी है और ना कोई इसमें मृत बेबी है। हम इसी पानी को यूज कर रहे हैं, और इसमें भी हमने पानी को निकाला है। यह एक प्लास्टिक का डिब्बा है, इसमें भी हमने पानी निकाला है, और इसमें निकाला है हमने ये वाला ही पानी हमने डाल के रखा है। यह देखिए दोस्तों, इसमें ही हमने डाल के रखा है, क्योंकि बेबी है, यह नहीं तो मर जाएंगे। इनको इसी पानी में हम रखेंगे। हमने छलनी की सहायता से इस पानी को छान लिया है, और ऊपर ऊपर का है और छान लिया है, और ये नीचे का वेस्टेज जिसमें है, यह पानी हम फैला देंगे, फेंक देंगे, और इसको अच्छे से सफाई करके, और फिर इसमें थोड़ा न्यू पानी ऐड करके, और इस पानी में इस बच्चों को इसको रखेंगे। और हम देखते हैं कि हमारी मोली ने कितने बच्चे दिए हैं, उसके बच्चों को भी इसमें रख देते हैं। और उसने जितना ब्रीड करना था उसने कर लिया है, और हो सकता है बड़े टैंक में उसने ब्रीड किया हो, तो उसके बच्चों को साथ वालों ने, बड़ी फिशेस हैं जो हमारी, उन्होंने खा लिया हो। हम आइए एक शॉट उसका भी दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, इसमें थी हमारी मदर मोली फिशेस, और उसमें जो फिश थी जो बड़ी ब्रीड करने वाली है, वह है इसमें हमने सेपरेट करके रख दी है। और जो जिसने हमारे पास ब्रीड किया है, वह है ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रही होगी मदर मोली। और अब इसमें हमने 3 बच्चों को काउंट किया है, और देखते हैं इस सेपरेट के कारण हमने ये इसमें प्लास्टिक का घास डाला है, तो इसमें इधर उधर बच्चे कुछ छुप रहे हैं। जितना ब्रीड करना था उतना उसने इसने कर लिया है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि रात को हमने 10 से 11 बजे, 10:30 11 बजे हमने एक वीडियो शूट किया था, उसी टाइम पे ब्रीड कर रही थी, उसी टाइम हमने इसको निकाला था, हमने इसकी इसको देखा था। यह उन बाकी फिशेज से भागदौड़ ज़्यादा कर रही थी, और ब्रीडिंग की साइज जिसका लग रहा था कि इसका पेट दोनों साइडों से बाहर निकला हुआ है, तो हमें समझ आ रहा था ये ब्रीडिंग करने वाली है।
तो हमने इसको सेपरेट किया, तो इससे हमने 3 बच्चे तो प्राप्त कर लिए हैं, और हम देखते हैं कि और भी है क्या इसके अंदर अभी, क्योंकि इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो हम इसको भी थोड़ा सफाई करते हैं और बच्चों को जो गप्पी बेबी है उसके साथ रखते हैं, मोली बेबीज को भी, और मदर को बड़े टैंक में हम डाल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने नीचे उतार लिया है वह एक्वेरियम को, प्लास्टिक के को, और ये देखिए एक जो इन्हीं 2 बेबीज के नीचे वो तली में बैठा हुआ है, और ये मदर है। हम मदर को ही निकाल के हम बड़े एक्वेरियम में डाल रहे हैं, और इसमें जो ब्रीडिंग के लायक है दूसरी फिशेस उसको रखेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों, अब हमने जो जो हमारी ब्लैक मोली ने जो 3 बच्चे डिलीवर किए हैं, हमने उसको भी इसी में छोड़ दिया है, और देखिए आपको दिख रहे होंगे, देखिए दोस्तों ये 2 बेबीज तो एक जगह इधर कोने में है, और इधर है, ऐसे भी नहीं दिख रहे। हम आपको टॉर्च जलाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक ये रहा और 2 ये रहे, और मोली के बच्चे देखिए दोस्तों, आज 17 तारीख है और 11 तारीख को डिलीवर 6 से 7 दिन की है, और इन्होंने कल रात को ही डिलीवर किया है, 1 दिन 24 घंटे के भी अभी नहीं हुए हैं। तो ये देखिए साइज का ये फ़र्क है कि गप्पी छोटे साइज की होती है, तो वह उसके बच्चे भी बहुत छोटे थे, 1 वीक के साथ 1 सप्ताह के बच्चे इतने छोटे हैं कि 1 दिन के मोली के बच्चों से भी अभी भी छोटे हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।